31 सीटें लोकसभा की थी, राजस्थान की तो नहीं है ना, 30 सीटें लोकसभा में चाहिए क्षत्रियों को। तो राजनाथ ने कहा क्षत्रिय समाज जिसके तरफ जाएगा सत्ता उसकी। इधर हमने कार्यक्रम लगाया, उधर दो दिन के बाद उधर लगा दिया। इधर केवल हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तो हमारे ही कुछ लोगों को ये बातें समझ में आती नहीं है। राजपूतों में लेकिन कहा जाता है कि उनमें न्याय करने की ताकत रही है, उन्होंने न्याय किया भी है। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, अर्जुन सिंह बने, लेकिन उनका भी रिप्रेजेंटेशन अब हटा दिया गया है कोर्ट में, वो भी नहीं है हाईकोर्ट जो है। राजपूत नाम है, राजपूत नहीं है। राज शब्द जो है बदनामी वाला है, ये बदनामी करने के लिए वो माउंट आबू में पैदा करा जा रही है, ये वहाँ पैदा किए हुए है। तो ये ब्राह्मणों से नाजायज औलाद है ऐसा कहते हैं राजपूत जो है, वो कहते हैं ब्राह्मणों की नाजायज। लेकिन अब ब्राह्मण समाज कह रहा है नहीं है तो, हाँ। तो ये जो राजपूत हम शब्द प्रयोग जो है नहीं कहना चाहते हैं, हम लोग कहते हैं कि इनके वंशज नाग लोग क्षत्रिय हैं, और नाग लोगों से ही ये निकले हैं। तो उनके मूल स्रोत जो है नाग है, नाग इस देश के मार्शल लोग। बाबा साहब अम्बेडकर भी अपने को नाग लेते हैं आपको, शिवाजी महाराज वो भी थे, ऐसे थोड़ी मार्शल हो गए, तलवार ऐसे थोड़ी चलती थी। इनके पुरखों में वो था, सत्व था, तब तो उनके अंदर की तलवार जो है चली। तो सत्ता से बेदखल क्यों है आप लोग? ये देश का जो 90-95% वो आज गरीब सम्राट लाचार मौर्य की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ईसा पूर्व 185 को हत्या करने के बाद, हत्या करने के बाद हमारा दौर जो है, हमारे पुरुषों का दौर जो है, ये ब्राह्मणों ने ये रिवर्स गियर में डाला, और सत्ता की मदद से इन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दासता, क्षुद्रत्व, ओबीसी के ऊपर थोप देना, और घुमंतू जातियों का बहिष्कार करना, ये सारा सत्ताधारियों की मदद से निर्माण किया। जैसे आज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर बहुत सारे लेकिन मेहतराम साहब, मैं अब राजाओं का दौर तो रहा नहीं, ठीक है, अब आ गया डेमोक्रेटिक सिस्टम, बाबा साहब ने हथियार भी दे दिया, 22 प्रतिज्ञाएं भी दे दी, क्या इस देश का बहुजन समाज और आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, लोग उम्मीद से देख रहे हैं कि बावन मिश्राम पूरे खेल को बदल देंगे, कितना वक्त लगेगा देखो, और लोगों से क्या समर्थन चाहिए? 2000 साल का बोझ है हमारे लोग, वामन मेश्राम के अकेले जागने से वो बदलाव नहीं हो सकता जो हमारे लोग चाहते हैं। वो बदलाव तब होगा जब ये आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। हम लोग उसमें लगे हुए हैं और इसको 10 साल का समय लगेगा। सर, समाज से क्या संसाधन चाहिए? किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, 5 चीज। बुद्धि से फैसले होते हैं, बुद्धि से होते फैसले। पैसा आप जानते हैं, पैसे से पैसे के बगैर नहीं होते, पैसे का स्वाम नहीं किया जा सकता, पैसे का काम पैसे से होता है। हुनर, जैसे अभी आप सवाल पूछ रहे तो आपको हुनर, मीडिया का हुनर, हम जवाब दे रहे हैं तो हमारे पास बोलने का हुनर, तो हुनर है, कई प्रकार का हुनर, बजाने का, गाने का, लिखने का हुनर है ना, टैलेंट, उसको अंग्रेजी में टैलेंट बोलते हैं। तो बुद्धि, पैसा, हुनर, ऐसा ये हमारे समाज के पास है, ऐसा नहीं है गायक लोग हमारे ना है सारे देश भर में, हम लोग का गायक है हमारे लोग। लेकिन अब जो ये पंडित भीमसेन जोशी, मैं जब गाता था तो ब्राह्मणों वाला गाता था, 50 लोग भी सुनने को आए। मैंने जब महाराष्ट्र के संतों की वाणी गाना शुरू कर दिया तो 20-25 हजार लोग उनको सुनने को आए। यानी जब बहुजन की बात कोई करेगा तो उसका समर्थन बढ़ेगा। हमारे जो बहुजन है वो 6,247 जाति के टुकड़ों में बटे हुए, ये 2000 साल का बोझ है हमारे समाज पर।
ये 2000 साल का बोझ जो है वामन मेछलाम ये खत्म करने की दिशा में प्रयास कर रहा है और यहाँ तक ये मामला लाया। एक एक नया खेल शुरू हो गया वामन मेछलाम साहब, आप तो समझते भी हैं राजनीति को, अगर समझे हैं तो अब हर जाति का नेता खड़ा किया जा रहा है, मलाह का अलग, कुर्मी का अलग, कोयरी का अलग, ये भी सत्ता की मदद से हो रहा है, सत्ता की मदद से हो रहा है। और जब सत्ता होगी, जो समाज सत्ता होगी तो किसी आदमी को खड़ा करके मंत्री बनाया जा सकता है। हाँ। और उसके आगे पीछे उनके समाज के लोगों को खड़ा करवाया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा हो रहा है यूपी में तो मैं देख रहा हूँ। मगर यूपी पे जैसे वो कर रहे हैं उसका काउंटर भी तो करना चाहिए हमारे लोगों को। हम तो वो एक जाति के लोगों को खड़ा कर रहे हैं, मगर हम तो 6247 जाति के टुकड़ों को जोड़ने में लगे हुए, यहाँ तो सभी प्रकार के लोग हैं, क्योंकि हम सभी प्रकार के लोगों को जोड़कर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक कोई एक दो जाति की लड़ाई लड़ने से मामला हल होने वाला नहीं, ये तो सारे नेता लोग हमारे डरे हुए हैं, तमाम बैकवर्ड क्लासेस के नेता डरे हुए, ईडी से डरे, सीबीआई से डरे हुए, हमको किसी प्रकार का डर नहीं लगता। अगर हमको जेल में भेजने का सेंट्रल गवर्नमेंट काम करे, हमको जेल में भेजने का योगी जी काम करे, बड़ा उपकार। लेकिन गांधी जी जेल में जाते जाते मान नहीं थे, नहीं वो तो एक हाँ वो नहीं, बहुत फंडामेंटल बात है, लेकिन एक परसेप्शन बन गया आजकल, आजकल जिस पर कार्रवाई हो जाए इनकम टैक्स ईडी का, पहले जब कांग्रेस थी तो सिर्फ बहुजन नेताओं की जांच होती थी, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, हेमंत सोरेन, तमाम नेताओं की जांच हुई, उनको कैरेक्टर एसोसिएशन किया गया मीडिया के जरिए। अब एक परसेप्शन हो गया कि जिसके खिलाफ जांच होगी, जो जेल जाएगा वो ईमानदार है, और जो बोल रहा है बीजेपी के खिलाफ, चाहे ओवैसी हो या बावन मेश्राम हो, मायावती जी के बारे में लोग ये कह रहे हैं, जो लोग पर कार्रवाई नहीं हो रही है मतलब वो आरएसएस के जेल हैं, ये समस्या हो गई। देखो ये हमको कोई आरएसएस का एजेंट कहे, मैंने कई नाम लिए हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से नहीं कह रहा, क्या बोल रहा हूँ इसका जवाब दे रहे ना, अगर हमको कोई आरएसएस का एजेंट कहे नहीं, मैं भी मुझे भी कहते कि शंभू की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ये भी आरएसएस से मिला हुआ है, ये कोई जिसकी गिरफ्तारी नहीं होगी वो आरएसएस का आदमी है, क्योंकि मुझे भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये लेकिन नहीं, जब जिसका इनकम टैक्स ईडी का रेट पड़ जाए तो इसका मतलब तो सरकार के खिलाफ है, और जिसके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही और वो सरकार के खिलाफ बोल भी रहा है ईमानदारी से, तो लोग कह रहे कि इसकी कोई सेटिंग है अंदर से। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं उसके पीछे राजनीतिक मकसद है, अपोजिशन पार्टी को 2024 के चुनाव के पहले लड़ा के रखना चाहते हैं, ताकि ये ज़्यादा सक्रियता से जनमत को प्रभावित करने का या लोगों को ऑर्गेनाइज करने का काम ना करें ये, और हमको इसलिए कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि वामन मेश्राम तो एक संगठन कहते हैं, ये संगठित शक्ति है, वामन मेश्राम नहीं, वामन मेश्राम एक संगठन है, संगठन है, संगठित शक्ति है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, और यही ताकत है, आप आरएसएस दफ्तर घेर लेंगे। हाँ, इसीलिए हम अपने संगठित शक्ति के बल पर जब आरएसएस ने हमारे संवैधानिक अधिकारों को रोकने की कोशिश की तब हमने ऐसा किया, तब तक हमने कोई आरएसएस को छेड़ने का काम नहीं किया, जब उन्होंने हमको छेड़ने का काम किया, हमारे संवैधानिक अधिकार रोकने का काम किया, हरियाणा की सरकार का मिसयूज करके आर्टिकल 19 संविधान का उसके